अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, जो वैली है यहाँ पे, सर्वगुणा चिलोटीधार माता, सरगुणी, सरगुणी माता चिलोटीधार। तो ये है चिलोटीधार के लिए रास्ता, और लडबडोल से अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और रेस्ट ऑफ द यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। वो तो किस्ते बनाए थे थोड़ी सी वैली आई नजारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सरगुणी माता काफी हाई एल्टीट्यूड में है इस टाइम पे हम यहाँ पर, और आ जाए हैं हम माता बंबोरी। जय माता बंबोरी। ऑफ रोड हो चुका है स्टार्ट यहां से, डर्ट रोड है सारा जितना भी है। सो भाई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं बंबोरी धार में, जो कि सिकंदर धार से महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। और ये जो धार है एक्चुअल में इस टेरेन में सारी की सारी जगह पे स्नोफॉल होता है मोस्टली। तो ये फर्स्ट जो वैली है जहां से स्नोफॉल स्टार्ट होना शुरू होता है, जो अगर हम लो स्कर्ट से अगर बात करें तो, और काफी ऑफ द ग्रिड है रोड, देख सकते हो आपकी मिस्टर हैप्पी हमारे देहाती भैया चले हुए हैं बुल्लोन, ये तो इस तरह का है रोड। और पीछे दो लड़के और भी हमारे साथ, वो भी आ रहे हैं, वही आज हमें यहाँ पे लेके आए हुए हैं इस जगह पे। क्या नजारा है यार, वो नीचे पूरी ब्यास नदी वगैरह दिखेगी, जितना भी एरिया है यहाँ पे हमीरपुर तक एरिया दिखाई देगा, और इसके अलावा जो बिलिंग वैली है वो भी दिखाई देगी, जोगिंदा नगर ऑन द टॉप जब हम पहुंचेंगे तो वो देखेंगे हम नज़ारे। सो भाई हम पहुंच गए हैं बंबोरी धार माता में, और यहाँ पे जो नज़ारा है ना यार वो देखने लायक है, फुल ऑन 360 व्यू। और यही वो एग्जैक्ट वैली है जहाँ नीचे से अगर हम स्टार्ट करें अगर अपना हमीरपुर से, तो ये जो पहले पहाड़ आता है, ये जो घाटी है यहाँ पे, इस जगह पे बर्फ गिरता है सबसे पहले। यहाँ पे देख सकते हो आपकी ब्रांस के पेड़ भी हैं, जो अपना रोडोडेंड्रो है हमारा यहाँ का स्टेट फ्लावर। और ये रहा मंदिर, थोड़ी देर में हम मंदिर जाएंगे अभी अंदर, और ये पार्किंग एरिया, और बहुत ही प्यारी जगह। ये रही हमारी माता, जय माता बंबोरी माता की धार, और बंबोरी माता का टेम्पल यहाँ पे। और यहाँ से दिख रहा है आपको ब्यास नदी, संसाई वाला एरिया, हमीरपुर वाला एरिया, इवन जो सामने वाले पहाड़ हैं काफ़ी दूर तक। विजिबिलिटी इतनी सही नहीं है फिर उसके बावजूद भी दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल एकदम शांत सी जगह है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है यार। जय हो फुल्लोन माता जी के चरण इस जगह पे। जय हो। करते हैं अंदर दर्शन, शायद बंद ना हो। जाओ भोलेनाथ जी की जय। तो नीचे हैं यहाँ पर गांव, और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो वैसे बिल्कुल ही शांत सा एरिया ये। और एक तरफ
जोगिंदर नगर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और जोगिंदर नगर का शानन प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से, शायद आप देख पा रहे होंगे वो सामने फुल ऑन जोगिंदर नगर, ब्रांस के पेड़, एकदम शांत सी जगह, कुल्लू घाटी के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से चौहार घाटी के, और थोड़ा ही देर में यहाँ पे मेरे को लगता है मौसम खराब होने वाला है इस जगह पे। कुछ पुराने यहाँ पर ये मूर्तियाँ वगैरह हैं रखी हुई हैं, शायद खंडित हो चुकी हैं उस वजह से पीछे रखी हुई हैं, लेकिन ये देख सकते हो बहुत पुरानी है, और ये पत्थर भी काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, जैसे कि इन द सेंस पुराना तो है ही पत्थर, जो आर्किटेक्चर है काफ़ी पुराना है। तो ये है भाई बिच्छू बूटी, और ये रहा उजड़ा हुआ चमन। और मोस्टली यहाँ पे बुरांस के पेड़ ये एक तरफ है, जोगिंदर नगर शानन प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो अभी ऊपर जा रहे हैं थोड़ा यहाँ से। तो ये रहा पपोरीदार। फाइनली हम पहुंच गए ऑन द टॉप, और ये रहे हमारे ट्रैकर्स ऑफ द डे, मिस्टर हैप्पी, मिस्टर प्रिंस, छोटे भाई आपका क्या नाम है? बासु। ये किराना सिस्टम बरखा टाइम है, ये बरखा टाइम झूला है। नजारे कैथी लग रही तो लगी बछड़ी आ गई छूंगी दी ये बढ़िया जगह बैठने बढ़िया, और यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा, हम लेंगे रिफ्रेशमेंट यहाँ पे इस जगह पे। ये जगह वधिया, दैट्स अ पॉइंट। ये उतार रहे हैं भाई ब्रांस के फूल, इससे बनाएंगे ये बहुत ही प्यारी सी चटनी, और ये रहा फ्रेश ऑर्गेनिक प्रॉपर, भर भर बैग रज्जी की भर है, दबी दबी की, दबी दबी की भरना है। दो माठे जो लिमका दे दो, और ये नजारे। ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल, बाय बाय।